आज का ड्रामा जो मैं आपसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है सबाहत। और सबसे पहले ड्रामा देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल बटन। और मैं रिव्यू कर रही हूँ और ये एक ड्रामा रिव्यू है, पाकिस्तानी ड्रामा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा ड्रामा है। कोई ऐसा ड्रामा नहीं जिसके पीछे आप लोगों को लंबे लंबे से नोट लिखने पड़े और करना पड़े, या तो उस सूरत में लिखना चाहिए ना ऐसी चीज़ें जब कोई गलत चीज़ अपलोड हो रही हो। जब एक ड्रामा है टीवी पे चल रहा है, सिंपल सा ड्रामा है, सिंपल स्टोरी है, घरेलू सी स्टोरी है, थोड़ी सी चेंज इसलिए है कि अमीरों के मसाइल दिखाए गए हैं। हमेशा हमें ये लगता है कि जिसके पास दौलत है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आज कल जो ड्रामाज बन रहे हैं तो उसे लगता है कि अमीरों को गरीबों से भी ज़्यादा मसाइल हैं। उनके पास पैसा तो है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इस ड्रामे को ही ले लें, सबाहत के अंदर बेटी है तो उसने मिराल, उसने अजीब सा माहौल बना रखा है, बेटे का अजीब माहौल है, बहू बेचारी सीधी सादी सी है, बेटा अच्छा है, सास अच्छी है, नानी थी, नानी मर गई, वो कहती थी हर वक्त सबाहत को कि तुम मेरी जैसी हो, मेरी जैसी हो। वो समझती थी मैं बूढ़ी तो नहीं हूँ, मैं आपकी शक्लें तो नहीं, वो कहना चाह रही थी कि सबाहत जैसे मैं थी ज़िद्दी हठ धर्म, तुम भी वैसे ही हो ज़िद्दी और हठ धर्म। और सबाहत को ये बात समझ सॉरी मिराल को ये बात समझ ही नहीं आ रही। मिराल का जब से भाई की शादी हुई है उसकी मर्ज़ी के बगैर वो बहुत ज़िद्दी बदतमीज़ हो गई है। उसकी माँ ने बहुत कोशिश की है कि बेटी मेरी सेट हो जाए, मगर वो नहीं हो रही। अब इस ड्रामे के अंदर आज भी वो वलीमा था, वलीमे के ऊपर उसका बाप नहीं गया, वलीमा नहीं होने दिया, बड़ी मुश्किल सेटिंग की है। उसके बाद जब वो सत्तोवाड़े पे जैसे मुकलावा कहते हैं अपने घर गई है तो वहाँ पे भी वो नहीं गई मिराल की वजह से, उसे लेने को ही नहीं गया। उसकी माँ गई है हसन की, वो वहाँ पे हसन की माँ गई है, हसन बड़ी परेशान थी, घर आई है, उसने कहा भाई उधर उसने कहा था कि मेरे शौहर के दोस्त का डेथ हो गई है, इस वजह से वो टेंशन में नहीं आया। जब घर आई है बहू ने आके ससुर से अफसोस किया तो हैरत से अपनी बहू को देखने लग गया कि अफसोस क्यों कर रही है। और इधर से हसन जो है वो परेशान, माँ आती है उसके पास कैसे तुम कुछ दिन के लिए ना कहीं आउटिंग पे चले जाओ, कहता है मैं बाहर कैसे जाऊँ, इसका तो पासपोर्ट ही नहीं बना। तो वो माँ कहती है ऐसा करो पाकिस्तान में ही कहीं चले जाओ, जब तक मैं कुछ सेटिंग कर लूँ, अपना माहौल बना लूँगी घर का, फिर बेटा जो ना माँ का कहना मानता है बीवी को लेके आ चुका है वो वादियों के अंदर। बड़ी खूबसूरत पाकिस्तान की हसीन तरीन वादियाँ दिखाई गई हैं, बहुत 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 खूबसूरत। वहाँ पे वो लोग हनीमून के लिए आए हुए अपना जहन चेंज करने, और घर का माहौल वो माँ उसके पीछे कहती है मैं थोड़े दिनों में हैंडल कर लूँगी। उसे ये नहीं पता कि उसकी बेटी बहुत ज़िद्दी है, और ये चीज़ें अक्सर बच्चों में आ जाती हैं। गरीब का बच्चा ये है कि जैसे कैसे माँ मार पीट के किस तरह से कंट्रोल कर देती है, अमीर का बच्चे को इजाज़त नहीं होती कुछ कहने की, इसलिए ज़रा थोड़ा वो जहनी मरीज बन जाते हैं, या इस तरह कहा जाए कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो ना मिले, क्योंकि माँ वरना माशाल्लाह 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 बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, सब बच्चे डिफरेंट होते हैं, किसी के साथ कोई मसला, किसी के साथ कोई मसला, भी अपने वाइट बाल बैठ के निकाल रही होती है। और बस कुछ माएँ बेचारियाँ, इसकी माँ भी बहुत अच्छी लग रही है मगर बाप ने बिगाड़ा हुआ है। वो इस तरह के ड्रामाज इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग जागें जागें और देखें। और मेरे ख्याल में जो इस तरह के ड्रामाज बन रहे हैं, जिन लोगों के लिए बन रहे हैं, वो लोग देखते ही नहीं हैं, वरना काफ़ी चेंजिंग आ चुकी होती, क्योंकि हर टॉपिक पे बनते हैं, अमीरों पे, गरीबों पे, पता नहीं ये वो आवाम देख रही है जो बेचारी बस हमारी तरह वेली है। और बस यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, वरना तो माहौल कब का चेंज हो चुका होता, हर कोई कुछ ना कुछ मान जाता, मगर हर कोई अपने ही कर रहा है। बहरहाल इधर सबाहत और ये जनाब हसन साहब खूब इंजॉय कर रहे हैं, अपना खूब आउटिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं रेस लगाते हैं, कहते हैं जी आप, वो कहती है आप जाओ, हमेशा मैं आपसे जीतती रह गई अपने शौहर को, जीपी मेरी ज़्यादा होती थी, मॉडल्स भी मैंने ज़्यादा बनाए थे, मैं आपसे पढ़ाई के अंदर सबसे आगे हूँ। तो वो हंसने लग जाता, कहता नहीं मैं तो जानबूझ के हारता था। तो वो कहती है सामने जो वाइट घर नज़र है इधर आप भाग के जाएँ, फिर मैं जाऊँगी, जो पहले जाएगा वो जीत जाएगा, मैं स्टॉप वॉच में टाइम चेक कर रही हूँ। जैसे ही वो वापस आते हो कहते आप टाइमर बंद करो, बताओ कौन जीता। तो हंसने लग जाती, कहती आज आप ना अकेली रेस के अंदर फर्स्ट आए हैं, आपको लगता था कि मैं इतनी दूर तक जाऊंगी। और ये मंजर इतने खूबसूरत लग रहे थे कि देखने में बेतहाशा अच्छे लग रहे थे। उधर से माँ जो है लैला वास्ती साहब बड़ी अच्छा रोल कर रही है, बड़ी हसीन सी मिराल की, वो मिराल को समझाने के लिए, इधर मिराल को अपनी नानी की फिर आवाज़ आने लग जाती है। नानी कहती है अब तो माँ भी हाथ जोड़ने पर आ गई है, अब तुम क्या करोगी। और मिराल जो है ना उसी वक्त सोचती है कि मैं एक साइकाट्रिस्ट है, मेरी दोस्त ने मुझे बताया, मैं उसे फ़ोन करूँगी और ना मैं टाइम लूँगी और अपने आप को ठीक करूँगी, मरे हुए की आवाज़ मुझे नहीं आया करेगी। वो अपनी दोस्त को फ़ोन करती है, उसे कहती है मुझे साइकाट्रिस्ट का नंबर दो और मुझे बताओ
मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर वहाँ पे वो जाती है सेक्रेटरीस के पास, तो वहाँ के ऊपर जनाब वहाँ पे उन्हें नज़र आते हैं, अब आ गया है हीरो जो यहाँ का जिसका सबको इंतज़ार था पूरे ड्रामे के अंदर, वो डॉक्टर के रूप के अंदर आ चुका है, डॉक्टर हारिस। और डॉक्टर हारिस के आते ही ड्रामे की स्टोरी हो जाएगी चेंज, और मिराल साहबा इस डॉक्टर साहब के पास जाके, जो नफ्सियात के अंदर हैं डॉक्टर हैं, उनके पास जाके, साइकेट्रिस्ट के पास जाके उनकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई करती हैं कि आपकी जॉब भी बड़े मज़े की है, मुफ्त में लोगों की बातें सुनते हैं और पैसे कमाते हैं। और वो कहता है मिराल आप क्या करती हैं, तो मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि उसने गुस्से के अंदर आके अपने बाप की जॉब छोड़ दी है और वो घर है, वो कहती बस मैं अब खामोश रहूँगी, मैं आप में से किसी के साथ भी बात नहीं करूँगी।